Hello, welcome to Arvind Singh Academy. Today we are going to discuss some multiplication tricks. Usually it is very interesting topic. Today it is also will be interesting, very interesting for all kind of learners, even for young kids or for those who are preparing for higher level competition. प्रैक्टिकल यूज के लिए ये ट्रिक्स बहुत कामयाब हैं एंड यू कैन सी दिस. जैसे हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट के नंबर को, तीन डिजिट के नंबर को, चार डिजिट के नंबर को, ये सीरीज है पूरी. हम धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे, कई सारे लेक्चर्स होंगे इसमें, बट आज सबसे आसान से शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि दो डिजिट तीन डिजिट के नंबर जो टेंस के करीब हो, हंड्रेड के, टेन हंड्रेड थाउजेंड के करीब हो, उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमें 94 को 96 से मल्टीप्लाई करना है. ये नंबर्स 94 और 96 दोनों हंड्रेड के करीब है, तो इसका पहले हंड्रेड से डिफरेंस कितना है, माइनस छ. इसका डिफरेंस कितना है, माइनस चार. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 24 होगा, इनमें इनको अगर प्लस करोगे तो क्या बच जाएगा, 90. प्लस क्या, बेसिकली हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये 94 प्लस है और 064 माइनस है, तो माइनस करना है, तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा, यानी दोनों को हम कर रहे हैं प्लस, लेकिन चूंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो क्या बच जाएगा, 90. इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 9024. दूसरा इसी तरह से थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इसे कहें कि 97 को 93 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे बचेगा बेसिकली कितना, तो 03, यहाँ पे बचेगा 07. प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा 21 और यहाँ पे इसको करेंगे तो 90 9021. तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 92 हमने लिया और 93, यहाँ पे कितना होगा, ये 08, यहाँ से कितना मिलेगा, 07. तो ये हम प्रोडक्ट कर दिए तो क्या हो गया, 56. इसमें से इसको माइनस करना है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर हमेशा आता है तो माइनस करना है. 92 माइनस 7 कितना होगा, 85. या तो इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, बात एक ही है. 92 में से 7 माइनस करोगे तब भी 85 आएगा, 93 में से 8 माइनस करोगे तब भी 85 आएगा, वैसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी 90 होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी 90 होगा, 94 में से 4 माइनस करेंगे तब भी 90, 96 में से 6 माइनस करेंगे तब भी 90. तो इस तरह से दो डिजिट के नंबर्स जो 100 के करीब हैं उनको हम इस तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं. अगर मान लीजिए नंबर्स बड़ा हो, हजार के करीब हो, 9993 और 994 ऐसा कुछ नंबर है, तो ये 1000 के करीब है, तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया 1000 से, 7. यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 1000 से, 006. इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 7 6 42. चूंकि ये तीन डिजिट का नंबर है तो हमें यहाँ तीन डिजिट का नंबर लिखना चाहिए. फिर यहाँ इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करना मतलब निगेटिव साइन होने की वजह से माइनस करना है, तो 993 में से 6 घटाएंगे तो 987 बचेगा, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट यही होगा, इसके सिवाय कुछ और नहीं होगा. एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, 9998 मल्टीप्लाई बाय 9988 ऐसा कुछ. ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स 10,000 के करीब है, तो 10,000 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा कितना, 000 and 2, और यहाँ पे बच जाएगा 10012. अब ये माइनस है, दोनों निगेटिव नंबर है, तो इनमें इनको बिल्कुल प्रोडक्ट करना है, क्या आ जाएगा, 0024, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6. 9 माइनस 1 कितना, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 1 8 और 99, यानी ये प्रोडक्ट हो गया इन दोनों नंबर्स का. इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी यही आएगा, 9988 में 2 माइनस करेंगे तो 9986 आएगा. किसी को माइनस कर सकते हैं सुविधाजनक दृष्टिकोण से जो आपको अच्छा लगे.
तो ये कितने भी नंबर हो, चाहे वो 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास, 10,000, 10 लाख, कोई भी, तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट उनका कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये लेस देन नंबर थे, टाइप टू जब नंबर बड़ा हो, जैसे 103 को 105 से गुना करना, तो 103 100 से कितना ज्यादा है, प्लस 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, प्लस 5 ज्यादा है। अब इनका प्रोडक्ट करें तो कितना होगा, 15, और इन दोनों को प्लस पहले भी हम कर रहे थे, माइनस तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि माइनस साइन था, हकीकत में हम इन दोनों को प्लस कर रहे थे, एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर, यहां भी हम प्लस कर रहे हैं, तो 103 में 5 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 108, इसमें इसको प्लस करो चाहे इसमें इसको प्लस करो बात एक ही है, तो 108 15 इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अगर ये नंबर मान लीजिए कि 1012 × 1111 ऐसा कुछ नंबर है, ये चार डिजिट का है, 1000 से कितना ज्यादा है जी बताइए, 1000 से ये 012 ज्यादा है, ये 111 ज्यादा है। अब इन दोनों का आप प्रोडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, चाहे मान लीजिए कि नंबर कुछ ऐसा है 12 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट का नंबर यहां होना चाहिए, तो 12 से गुना करोगे तो कितना होगा बताइए, 12 × 12, ठीक है, 12 × 12 कैरी 1, 12 × 12 एंड 1 13, सो ये 3, और 12 × 12 एंड 1 13, 3 यहां पे भी आ गया, एक रह गया, एक वो चीज हमें चाहिए जो यहां 3 ही डिजिट लिखना है, चौथी डिजिट नहीं लिखना है, एक रह गया आपके पास, इसमें इसको प्लस करोगे तो, चाहे इसमें इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 112, यहां पे 2 + 1 = 3, और एक जो हाथ में आया था मिला के 4 हो गए, 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 1 + 1 = 2 और 1 1, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से कोई भी 3 या 4 डिजिट का नंबर हो, इवन ये नंबर है 1013 × 1104, तो हम इसको भी कर सकते हैं ऐसे ही, आप देखिए क्या करते हो, 003 यहाँ 004 प्रोडक्ट करेंगे 12, और इनमें इनको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा बताइए, 1007, तो ये आ गया इनका आंसर, ठीक है। इस तरीके से किसी भी नंबर्स का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब सवाल है कि एक नंबर 100 से बड़ा हो और दूसरा नंबर 100 से छोटा हो, तब क्या करोगे, जैसे टाइप 3, एक नंबर है 107, दूसरा नंबर है 94, तो ये 100 से ज्यादा है कितना, 07 ज्यादा है, मतलब प्लस, प्लस साइन दे दिया, ये है माइनस कितना, 06। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 7 × 4 = 6 = 42, माइनस 42, 7 × 6 = 42, माइनस 42 है, और इसमें इसको आप प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, चाहे इसमें इसको प्लस करो चाहे इसमें इसको प्लस करो, तो 107 में माइनस 6 प्लस करने पर 101 आ जाएगा, 101 आएगा, और 94 में 7 प्लस करोगे तब भी 101 आएगा। ये नंबर मिला 101, और इन दोनों के बदले दो जीरो में से ये आ गया माइनस 42, माइनस 42 करेंगे इसकी जगह पे कुछ नहीं है, दो जीरो समझ लें क्योंकि हमें उसमें से माइनस 42 करना है, तो 10100 में से 42 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 10058, 58, राइट ना, 100058, ये आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए, सिक्स्थ क्वेश्चन एक लेते हैं, और देखिए सिक्स्थ और सेवन्थ ये जो भी है या एट है, तो ये 109 × 91 कुछ ऐसा। अब ये क्या है, प्लस 9 ज्यादा है, ये क्या है, माइनस 9 कम है, इन दोनों का प्रोडक्ट 81 माइनस होना चाहिए, ये हमारे को दिमाग में है कि 81 माइनस होना चाहिए, इसमें इसको प्लस करोगे तो 100 आएगा, इसमें इसको प्लस करोगे तो 100 आएगा, इन दोनों के दो जीरो हैं, है ना, दो डिजिट है तो दो जीरो हैं, उसमें से 81 माइनस करना है तो क्या बच जाएगा बताइए, 10,000 में से 81 अगर मैं माइनस करूं तो क्या बच जाएगा, 9,919, नहीं 9,919,
तो आपका पूरा आंसर आ गया 9919। इस तरह से ये प्रोडक्ट हो जाएंगे और इस तरीके से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब टाइप 4 की बात करते हैं। कोई कह रहा है कि अच्छा ठीक है, हमें 201 को 203 से मल्टीप्लाई करना है, तब कैसे करोगे? अब 201 से 203 को मल्टीप्लाई करना है तो वही तरीका होगा कि ये आ गया क्या, प्लस 01 प्लस 03 आ गया। दोनों नंबर दो के हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 03, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 204 होगा, है ना? इसको चाहे इसको प्लस करें, लेकिन इसका मल्टीप्लायर फैक्टर 2 है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये मन में समझना था, 40803। इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, मल्टीप्लायर इसका 2 है। इसी तरह से 208 को 212 से हम मल्टीप्लाई करें क्या होगा, ये 08 है, ये 12 ज्यादा है, 12 एट जा 96 आ गया, और इसको इसको प्लस करोगे या इसको प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 220, और उसका फैक्टर क्या है, 2, तो 220 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 440, तो इसलिए आ गया 44096। एक और लेते हैं, 303 को मल्टीप्लाई करना है 308 से, ये कितना ज्यादा है, ये 03 ज्यादा है, ये 08 ज्यादा है, इस तरीके से इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 24 होगा। इसमें इसको जोड़ दिया, कितना हो गया, 311, 303 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया, 311, 388 में 3 जोड़ दो, कितना होगा, 311, और उसका फैक्टर क्या है, 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 311 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 933, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा। इस तरह से 400 के टर्म्स हो तो 4 फैक्टर होंगे, 500 वाले नंबर हो तो 5 फैक्टर होंगे, मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट को इस तरीके से फटाफट एंजॉय कर सकते हो और कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी सी लेक्चर फास्ट थी बट फिर भी आप दोबारा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और समझ जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली वीडियो में हम इसका एडवांस लेवल और बताएंगे। थैंक यू।